अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो इज़ अ दरार शॉपिंग हॉल एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखानी है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पार्सल है जी ये, एंड इसके अंदर है हमारे पास ये एक अदद तस्बीह जो मैंने ऑर्डर की है रमज़ान के लिए। ये सब चीज़ें मैंने रमज़ान से पहले ऑर्डर की थी बट मुझे वक्फे से रिसीव हो रही हैं, तो इस वजह से ही वीडियो डिले हो रही है, वरना तो कब की बन चुकी होती। अगर मुझे साथ ही पार्सल मिल जाते तो खैर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे इनकी पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ साथ साथ, एंड आप लोगों को लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो दिस इज़ द तस्बीह दैट आई ऑर्डर्ड, एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे काम करती है। इस तरह से आप रोटेट करेंगे तो ऑन हो जाएगी, देन 1, 2 जो भी आप लोगों ने जिक्र करना हो अल्लाह पाक का। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी है एंड इट्स वेरी नाइस, इट लुक्स नाइस। यहाँ पे LED भी लगती है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, एंड इफ़ यू आर मैरिड तो अपने सास ससुर को। तो या बहुत ही अच्छी चीज़ है, हाईली 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 रिकमेंडेड, एंड अभी तो रमज़ान चल रहा है तो ले लें यार, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं जी इस वाले पार्सल के ऊपर। तो यहाँ पे इसमें ना ऑलरेडी मैं कुछ पार्सल्स खोल चुकी हूँ बिकॉज मुझे वेट नहीं हो रहा था, तो कुछ मैं आप लोग के सामने खोल रही हूँ। तो या ये पार्सल है, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओ आई गेट इट नाउ। तो ये मैंने ऑर्डर की थी 2 बेल्ट्स, एंड आई किड यू नॉट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक यू कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग एट इट ऑन द स्क्रीन कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। एंड एक ना मेरे साथ बहुत मसला है, मसला तो नहीं मैं इसको बोलूँगी, बट मुझे ना कोई बेल्ट फिट नहीं आती है, मुझे इसमें और ज़्यादा होल्स कराने पड़ेंगे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ अपेरेंटली। तो आई नीड टू गेट दीज बेल्ट फिक्स, मेरे पास जितनी भी हैं उन सबको फिक्स करने की ज़रूरत है। बट यू कैन सी ये क्वालिटी, आप इसकी चेक करें एंड लुक कितनी नीट है, एंड यार आई जस्ट लाइक इट सो मच, एंड ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो या गाइस, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, एंड इसको मैं वापस रख देती हूँ जैसे था। तो ये रहा जी तीसरा पार्सल, एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो इसमें मैंने ऑर्डर किया था जी, ओ या याद आ गया, मैंने ऑर्डर किया था 1 अदद ब्लश, यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, पिक्चर अटैच कर दूंगी। ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, एवरी सिंगल पर्सन इज़ बाइंग दिस ब्लश, एंड मैंने सोचा यार लेट्स ट्राई इट, मैं भी ऑर्डर कर लेती हूँ, लेट्स सी कि क्या है इसकी हाइप एंड ये कैसा काम करता है कैसा नहीं। तो ये इसका कोई ब्रांड है, मुझे ब्रांड नेम सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो यू गाइस कैन जस्ट चेक इट आउट बाय लुकिंग एट इट। मैंने शेड मंगाया 04, इट्स अ डार्क पिंक। मुझे लाइट पिंक अच्छा नहीं लगता बिकॉज मुझे लगता है मेरी स्किन टोन के हिसाब से लाइट पिंक मुझ पर सूट नहीं करता है। अगर आप बहुत फेयर हैं तो आप लाइट पिंक मंगा सकते हैं, नहीं तो आप गो फॉर दिस वन अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह का है। तो ये डार्क पिंक है एंड इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड, एंड अभी आप लोगों को मैं ये लगा के भी दिखाती हूँ। यार बहुत हसीन है, यहाँ पर तो देखो ये मेरे से निकल ही नहीं रहा था, इतने पम्प्स मैंने किए बट नहीं निकल रहा था, मैंने कहा यार क्या है। बट खैर अभी मैं आप लोग को इसका स्वाच दिखाती हूँ, इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड, आप यू ओनली नीड अ लिटल अमाउंट। यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा निकाल लिया आप लोग को दिखाने के लिए बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कितना इसको यू नो करना पड़ेगा ब्लेंड एंड तब कलर आएगा कि नहीं, बट यार यू ओनली नीड अ टाइनी अमाउंट फॉर वन टाइम, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम चलने वाला है। एंड इसका स्वाच आप देख सकते हैं, इट्स वेरी 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 प्रीटी पिंक कलर। तो ये जी आप लोग ले लो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, आई टोटली लव इट, एंड मैं इसको दोबारा भी बाय करूँगी जब मेरा ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली काफ़ी अर्से तक तो ख़त्म होने वाला नहीं है। बट खैर ये मैंने ना पैक से निकाल लिया था तो इसका वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बट खैर मैंने मेडोरा के स्टोर से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी एंड मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड लेट्स सी कि इसमें क्या है। मैंने काफ़ी सारी लिपस्टिक्स मंगाई थी जो कि आजकल ट्रेंड में चल रही है, एंड कुछ नेल पेंट्स थे, तो लेट्स सी मैं आप लोग को 1 बाय 1 सब करके दिखाती हूँ। यार ये इसकी लिपस्टिक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फर्स्टली ये बहुत अफोर्डेबल होती हैं, एंड सेकेंडली मतलब कि शेड्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, एंड थर्ड इनकी नेल पेंट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये 3 शेड्स हैं जो मैंने मंगाए हैं, 552, 210 एंड 561। तो ये मैं आप लोग अभी खोल के भी दिखाती हूँ, लगते बिल्कुल सेम सेम है, जैसे हम इसको खोलेंगे ना लिपस्टिक को आपको लगेगा सेम शेड है बट सेम नहीं है। स्वॉच करने के बाद आप लोग को डिफरेंस पता लग जाएगा। ये है जी 552 एंड बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं, लाइक एशियन स्किन टोन्स के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, ब्राउन कलर्स के लिए टू गुड। ले लो यार ले लो, इसके लिंक्स भी मैं मैंशन कर दूँगी, डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ये चेक कर लें।
अगर तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक नहीं ऐड किया होगा ना सब कुछ, तो थोड़ा सा वेट करके चेक कर लेना, बिकॉज मैं ऐड कर दूंगी. यार इतना हसीन शेड है, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन. लाइक चेक करें इसको. एंड अगला मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ. ये 552 था, पीच सिल्क था मेरा ख्याल है. एंड ये 561 है, एंड ये थोड़ा पीच सा शेड है. एंड इसको चेक करना अभी आप लोग. दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी, बहुत ही लाइट न्यूट सा शेड है, एंड आई लाइक इट सो मच. देखना अभी सेम लग रही है ना, लेकिन एप्लीकेशन के बाद यू सी द डिफरेंस. तो ऐसा शेड है ये. ऑलराइट, तो इसमें ना दो तीन शेड और भी हैं जो मुझे लेने हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी कुछ हैं भी, जैसे डार्क रेड हो गया, एंड काफ़ी दो तीन शेड मेरे पास इसके और भी पड़े हुए हैं. ये मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ऑर्डर कर लिए, बट आप चाहो तो आप लोग अगर स्टार्ट ही कर रहे हो ना, तो ये तीन शेड्स जो मैंने आपको दिखाए आप ये ले लो, बिकॉज ये गो टू शेड्स हैं एवरीडे लुक के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, घर के लिए, कॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है, परफेक्ट. तो यू गाइस कैन इन्वेस्ट ऑन दीज शेड्स. ये वाला चेक करें यार, ये हिंट ऑफ पिंक है, बट कितना खूबसूरत है यार, इट विल लुक सो गुड. एंड क्या इनमें से मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर चुकी हूँ ये लिपस्टिक्स, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रही है हॉल, बिकॉज एज आई सेड कि मुझे पैकेजेस रिसीव नहीं हो रहे थे, इतने टाइम बाद आ रहे थे, तो इस वजह से आई हैड टू वेट. बाकी मुझे बताना आप लोग को ये ऐसी वीडियोस और देखनी है कि नहीं देखनी है, आप लोग को अच्छी लगती है कि नहीं. डू कमेंट एंड लेट मी नो कि इस हॉल में आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था. तो यहाँ पे जी मैं नेल पेंट्स खोलने की कोशिश करी, आप लोग इसकी पैकिंग चेक करें कितने अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ है कि डैमेज नहीं हो आपका नेल पेंट. तो एक मैंने ये कलर ऑर्डर किया है, एंड देन इसके अलावा मैंने एक डार्क ब्राउन शेड ऑर्डर किया है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ओपन करके. यार इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार सिर्फ नेल पेंट्स जो वाहिद है ना ऐसे, जो मतलब जो टूटने वाली चीज़ है ना, उनको इन्होंने इतना अच्छे से सिक्योर किया हुआ है कि यार आप तक सेफली डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है. तो या दिस इज़ द शेड, एंड मुझे ये डार्क ब्राउन बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पर्सनली. अब मैं इनको लगाऊंगी तो आप लोग आगे वीडियोस में देख सकते हैं, मैं अप्लाई करके आप लोग को दिखाऊंगी, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि कैसा शेड है कैसा नहीं. तो या ये था, बाकी चलते हैं नेक्स्ट पैकेज की तरफ. तो ये ना मैंने कुछ शीट्स ऑर्डर की थी, पता नहीं MDF शीट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं. तो खैर मैंने बैकड्रॉप सेट करने के लिए ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी, इतनी चुनी मुनी सी होंगी. तो ये मेरे अभी किसी काम की नहीं है, बट आई विल फिगर इट आउट किस हिसाब मैंने क्या करना है. ये मैंने वेस्ट कर दिया वैसे ऑर्डर करके, बट खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी. मुझे लगा ये बड़ी शीट्स होंगी, बट छोटी को मैं क्या ही करूँ ना, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. तो या ये आप देख सकते हैं, बाकी आई विल फिगर इट आउट कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ. बट यू कैन सी ये इतने छोटे छोटे से कार्डबोर्ड्स टाइप हैं, लोग पेंटिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. मैंने बैकड्रॉप के लिए मंगाए थे, बट इस छोटे से तो मैं बैकड्रॉप का कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे एक हाथ से थोड़ा सा ही बड़ा है. तो या आई कैन नॉट यूज़ दिस. तो ये पड़ा रहेगा ऐसे ही, अभी भी पड़ा ही हुआ है, पता नहीं इसी तरह मैं क्या करूँगी. बट खैर नेवर माइंड, हो जाता है आपके साथ कभी कभी जब आप गौर से पढ़ते नहीं. नेक्स्ट ये हमारे पास है ये पैकेज, एंड ये चीज़ देखिए, मैंने दी वायरल दराज बैग ऑर्डर किया है, स्लिंग बैग. यार इतना ये खूबसूरत है, जब से आया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लाइक आई हैव ऑलरेडी वोर्न इट 2-3 टाइम्स एंड आई लाइक इट. इसकी क्वालिटी 1000 रुपये के हिसाब से अच्छी ही है, बिकॉज 1000 में क्या ही मिलता है ना आजकल. तो सो आई थिंक इट्स गुड अगर इसकी प्राइस को देखा जाए तो. बट ये साइड्स वाले जो है ना इसकी क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, बट कि इसकी क्वालिटी मुझे स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं लगी, बट बाकी बैग ठीक है स्टिचिंग वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी. एंड या आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी लुक है. बाकी इन्होंने इसके अंदर ऑब्वियसली स्टफिंग की होती है ताकि बैग की शक्ल आए, बट अगर स्टफिंग नहीं करेंगे तो फिर ऐसे होगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखें इस तरह से होगा कि लुक अच्छी नहीं आएगी, ख़राब सा लगेगा, ऐसे लगता है कि जैसे डैमेज हो गया. तो ये जगह भी मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी, बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड परचेज. तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, यू गाइस कैन गो एंड परचेज इट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो डू गो एंड चेक इट आउट. इसके अलावा जी ये मैंने दराज से नहीं ऑर्डर किया, ये मैंने साया की वेबसाइट से ऑर्डर किया था, बट मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं इसी में. तो दिस इज़ द ड्रेस, एंड इसकी मैं फुल लुक भी आप लोग को दिखाती हूं अभी आगे चल के. तो या चलते हैं एंड इसकी फुल लुक देखते हैं, मैं इसको खोल के हैंग करके दिखाती हूं. सो दिस इज़ द ड्रेस, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द कलर एंड दिस इज़ द कम्प्लीट ओवरऑल लुक ऑफ द ड्रेस. ये इसका गला है,
दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड यहाँ पे जो डिटेलिंग हुई हुई है ना मोती मोती करके, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये बीट से बना हुआ है। एंड ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एंड अट्रैक्ट करती हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने साइज़ स्मॉल में मंगाया है, ये भी इतना बड़ा लग रहा है मुझे पहना हुआ कि मतलब मुझे ना लूज़ फिट क्लोथ्स बहुत अच्छे लगते हैं कंपेयर टू मतलब बहुत ही फिटिंग वाले। तो यू कैन सी ये जी इसकी कंप्लीट लुक है। एंड इसका ट्राउज़र भी इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, सेम टू सेम ही है, इसी प्रिंट का ही है। तो यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज़ वेल। आप लोगों को मैं इसकी प्राइस भी दिखा देती हूँ, ये टू पीस मिला मुझे, इसकी प्राइस है जी 5500 के करीब, बट मुझे ये सेल में मिला 3200 रुपीज़ का। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ये जी इसका ट्राउज़र आप लोग देख लें एक नज़र। तो यस ये इसका ट्राउज़र है, बॉक्स ट्राउज़र से आजकल बहुत ज़्यादा इन है ना, ये वैसा ही है बिल्कुल। तो आई काइंड लाइक इट। तो ये जी इसकी ओवरऑल लुक हो गई एंड ये ड्रेस हो गया। इसके अलावा जी नेक्स्ट पार्सल देखते हैं जी। ये मैंने ऑर्डर किया है एक अदद हेयर ब्रश एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ खोल के। ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था यार, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देती हूँ, चेक कर रहा यार, दिस लुक्स सो सुपर क्यूट। एंड लेट्स जस्ट ओपन इट। ये मुझे बहुत टाइम के बाद रिसीव हुआ है क्योंकि चाइना से आया है। तो या मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स जस्ट ओपन इट। एंड यार चेक करें कितना हैंडी डैंडी है, कितना छोटा है। एंड ये बैग में रखने के लिए परफेक्ट है। एंड यहाँ खोल के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका मिरर टूटा हुआ है एंड मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई। मुझे इतना वेट था किसी भी पार्सल का मुझे इतना वेट नहीं था जितना कि मुझे इस ब्रश का था, बट ये टूटा हुआ निकला। अब मैं कुछ करूँगी, लेट्स सी उनसे बात करूँगी कि क्या करते हैं। सो या गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डू लेट मी नो आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाई।